नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर के कुशवाहा, मंथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, ब्लड का हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था, उसका जो शेष रह गया है तो आज हम सेकंड पार्ट में लेकर के आए हैं। तो आज हम अध्ययन करेंगे ब्लड का सेकंड पार्ट। तो यहाँ सबसे पहले आरबीसी हमने कंप्लीट करा दिया था। आरबीसी कंप्लीट हुआ था, अब हेडिंग चलेगा आपका आरबीसी के बाद डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है वाइट विलर्ड कॉर्पल्स, हिंदी में कहते हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं। अब दूसरा पॉइंट इसका ये आता है, इनका निर्माण कहाँ से होता है। तो हम जानते हैं हमारे शरीर में अस्थि मज्जा है, जिसे बोन मैरो कहते हैं। नंबर सेकंड पिलिया है, अगला यकृत है जिसको लीवर कहते हैं, एंड लिम्फ नोड से इनका निर्माण होता है। एंड इनके बनने की क्रिया को ल्यूकोपोइसिस कहा जाता है। इनके अंतर्गत केंद्रक पाया जाता है। नंबर नेक्स्ट, इनका जो जीवन काल है सामान्यतः 3 से 5 दिन होता है, और मैक्सिमम जीवन काल 11 से 12 दिन भी होता है। अब इस इनके बाद ये डब्ल्यूबीसी हमारा जो विलर्ड है, विलर्ड में ही इनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है, ये हमारे अंदर संक्रमण या रोगों से सुरक्षा करते हैं। इसलिए इन्हें, यानी हमारे अंदर ये संक्रमण या रोगों से सुरक्षा करते हैं, इसलिए इन्हें शरीर का सुरक्षा सैनिक भी कहा जाता है। एंड इन्हें शरीर का पुलिस गार्ड भी कहा जाता है। अब डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार के होते हैं और उनका क्या क्या कार्य है, तो हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। डब्ल्यूबीसी मुख्यतः दो भागों में बांटे गए हैं। नंबर फर्स्ट, कणिका रहित, या इनको इन्हें कहा जाता है ए ग्रेनो लोसाइट, नेक्ट ये होते हैं। सेकंड होता है कणिका सहित, या इन्हें ग्रेनुलोसाइट भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है, इसके अंतर्गत दो डब्ल्यूबीसी आते हैं। नंबर ए मोनोसाइट्स,
और इनकी जो मात्रा है वो सामान्यतः 2 से 8% होती है। नंबर बी, लिम्फोसाइट्स होते हैं, इनकी जो मात्रा है सामान्यतः 20 से 28% होते हैं। नेक्स्ट, कड़का रहित के सहित के अंतर्गत नंबर फर्स्ट न्यूट्रोफिल्स आता है और नंबर सेकंड बेसोफिल्स आते हैं और नंबर थर्ड आता है ईसिनोफिल्स। अब इनकी बात कर लेते हैं, इनकी जो परसेंटेज मात्रा है वो नियर अबाउट 65 से 68% होते हैं और बेसोफिल्स 0.5 से 2% होते हैं एंड यूसिनोफिल की मात्रा 2 से मैक्सिमम 5% होते हैं। इनका मतलब क्या है, ये तीन प्रकार के डब्ल्यूबीसी, इनमें केंद्रक पाया जाता है, यानी इनमें केंद्रक पाया जाता है और केंद्र के अंतर्गत इनमें कुछ पार्टिकल्स, खनिज लवणों के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, खनिज लवणों के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें कड़का सहित, इंग्लिश में कहते हैं ग्रेनुलोसाइट्स। एंड ये डब्ल्यूबीसी, इनमें भी केंद्रक पाया जाता है और लेकिन इनमें इस तरीके के जो पार्टिकल्स हैं ये कड़ नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें कड़का रहित कहा जाता है। अतः ये 5 प्रकार के हो जाते हैं और इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट बच्चों, अगला पॉइंट ये आता है, मोनोसाइट है ना, ये सबसे बड़े होते हैं, और ये सबसे छोटे होते हैं, जब ब्लड कैंसर हो जाता है तो इनकी वृद्धि हो जाती है, यानी हम दोबारा कह सकते हैं ब्लड कैंसर में इनकी वृद्धि हो जाती है। और मोनोसाइट है ना, ये फैगोसाइट विधि से जीवाणुओं का विनाश करते हैं। तो ये तो बात रही इनकी, अब हम उनकी बात कर लेते हैं। न्यूट्रोफिल के द्वारा वार बॉडीज प्रोटीन का निर्माण होता है, और ये वार बॉडीज के द्वारा मादा बच्चे की पहचान की जाती है, यानी गर्भावस्था में जब बेबी पनपता है तो नर तथा मादा बच्चे की पहचान करने में वार बॉडीज की देखा जाता है। यदि यूट्रस में वार बॉडीज प्रोटीन का निर्माण होता है तो बेबी फीमेल होगा, और वार बॉडी प्रोटीन का निर्माण नहीं होता है तो बेबी नर होगा। अतः इसे लिंग परीक्षण में यह प्रोटीन सहायक होती है, और लिंग परीक्षण में जो टेस्ट किया जाता है उस टेस्ट को
इम्यूनियो सेंटेटिस टेस्ट कहा जाता है और इसी को एक्जियो सेंटेटिस टेस्ट भी कहा जाता है। कहते हैं हम ये कहना चाहते हैं जो लिंग परीक्षण होता है, लिंग परीक्षण में किसे देखा जाता है, बार बॉडी प्रोटीन। बार बॉडी प्रोटीन कौन बनाता है, न्यूट्रोफिल्स। अगर मादा के यूट्रस में बार बॉडी प्रेजेंट है तो बेबी फीमेल का विकास होगा, और बार बॉडी प्रोटीन नहीं है तो बेबी मेल होगा। अतः इस टेस्ट में, लिंग परीक्षण में जो टेस्ट किया जाता है उसे इम्यूनियोसेंटेटिस टेस्ट कहते हैं या एक्जियोसेंटेटिस टेस्ट कहते हैं। तो ये तो बात रही न्यूट्रोफिल्स की। अब हम बात कर लेते हैं वैसोफिल्स की। बात कर लेते हैं वैसोफिल्स हमारे बॉडी में हेफेरिन प्रोटीन बनाता है। कौन सी प्रोटीन बनाता है, हेफेरिन प्रोटीन बनाता है। ये हेफेरिन प्रोटीन बनाता है और यह प्रोटीन रुधिर को रुधिर वाहिनियों में जमने से रोकती है। एंड वैसोफिल से ही दूसरा रसायन हिस्टामीन बनता है और यह हिस्टामीन हमारे अंदर एलर्जी को कम करता है। नेक्स्ट पॉइंट, वैसोफिल से ही सीरोटोनिन रसायन बनता है और यह रसायन व्यक्ति को हैप्पी रखता है, यानी प्रसन्न रखता है। तो यह वैसोफिल से हमारे लिए आवश्यक WBC है। WBC का टाइप है जो हेपेरिन भी बनाता है। हेपेरिन प्रोटीन रुधिर को जमने से रोकती है, हिस्टामिन हमें एलर्जी से कम करता है, एंड वैसोफिल से ही सीरोटोनिन बनता है और यह सीरोटोनिन हमें हैप्पी यानी प्रसन्न रखता है। तो ये तो बात रही वैसोफिल्स की। नेक्स्ट पॉइंट आता बच्चों, लास्ट रह गया ईसनोफिल। ईसनोफिल की जो मात्रा है वो सबसे कम होती है और ईसनोफिल्स की जब मात्रा बढ़ जाती है तो एलर्जी हो जाती है, अतः एलर्जी में ईसनोफिल्स बढ़ जाते हैं। तो ये WBC के पांचों टाइप्स के बारे में हमने आपको बताया है। अब हम बात कर लेते लास्ट पॉइंट इसका, WBC की जो मात्रा है कितनी मात्रा होती है इसकी, 1 mmQ, इसका हिंदी में कहते हैं घन मिलीमीटर में है। इसकी मात्रा WBC की मात्रा सामान्य से 6000 से 9000 होती है और मैक्सिमम ये 11000 भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद पॉइंट आपका आता है, जब WBC कम हो जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं, यानी WBC की कमी हो गई तो इसे ल्यूकोपीनिया कहा जाता है, और जब इनकी अधिकता हो जाती है तो इसे ल्यूकीमिया या इसे ही ल्यूकेमिया भी कहा जाता है। तो बच्चों हमने आपको RBC के बारे में फर्स्ट स्लाइड में बताया था, उस सेकंड में आपने पढ़ा समझा WBC। अतः हम बात कर लेते हैं मानव में RBC अनुपात WBC 601 होता है, यानी मानव में RBC WBC का अनुपात 600 अनुपात एक होता है, और इनकी गणना करने के लिए हीमोसाइटोमीटर या इसे ही ल्यूकोसाइटोमीटर भी कहा जाता है। तो ये तो बात होती है WBC की। अब इसका जो थर्ड पॉइंट है रुधिर विषाणुओं का आगे अध्ययन करते हैं।
जिसमें आता है ब्लड प्लेटलेट्स, या कहते हैं रुधिर बिंबाणु, रुधिर बिंबाणु, या कहते हैं इन्हें ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेट्स का जो अन्य नाम है वो थ्रोम्बोसाइट्स भी है, और इनके बनने की क्रिया को थ्रोम्बोसाइटोसिस कहा जाता है। और डब्ल्यूबीसी इन सॉरी रुधिर विमाणु का जो निर्माण होता है वो मोस्टली अस्थि मज्जाशय होता है, और अस्थि मज्जा को हम जानते हैं बोन मैरो भी कहा जाता है इंग्लिश में। अब बात नेक्स्ट पॉइंट क्या था बच्चों, ब्लड प्लेटलेट्स हैं इनका जो जीवन काल है सामान्यतः 2 से 3 दिन होता है, और इनकी मृत्यु यानी इनकी डेथ भी प्लीहा या इसको तिल्ली भी कहा जाता है, या इंग्लिश में इसको स्प्लीन कहते हैं में होती है, यानी ब्लड प्लेट्स की मृत्यु प्लीहा तिल्ली या स्प्लीन में होती है। अब इनकी जो क्वांटिटी है वो कितनी होती है, 1 mmQ ब्लड में 1 mmQ ब्लड में इनकी मात्रा 2.5 लाख से 4 लाख होती है, और मैक्सिमम जो मात्रा है मैक्सिमम मात्रा 5 लाख तक भी हो सकती है। हम जानते हैं स्तनधारियों के प्लेटलेट्स में केंद्रक या न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, लेकिन फ्रॉग मेंढक के ब्लड प्लेटलेट्स में केंद्रक पाया जाता है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड इनका जो मेन फंक्शन क्या है ब्लड प्लेटलेट्स का, हमारे बॉडी में रुधिर का थक्का बनाना यानी ब्लड क्लोटिंग करना इनका मुख्य कार्य है, या इसको कहते हैं रुधिर का थक्का। रुधिर का थक्का बनाना। एंड इसके अलावा इनके अंतर्गत 50% थ्रोम्बो प्लास्टिन वसा भी पाई जाती है। एंड जब डेंगू रोग होता है डेंगू रोग में इनकी कमी हो जाती है, यानी डेंगू रोग में ब्लड प्लेट्स कम हो जाते हैं। ऑल ओवर जब ब्लड प्लेट्स सामान्यतः हमने बोले थे इतने होते हैं मैक्सिमम इतने, जब इनकी कमी हो जाती है तो इसे थ्रोम्बोपिनिया कहा जाता है। जब इनकी अधिकता हो जाती है तो इसे थ्रोम्बो साइटोपिनिया कहा जाता है, यानी एक बार पुनः हमने बोला जब
ब्लड प्लेलेट्स कम हो जाते हैं तो इसको थ्रोम्बोपिनिया कहते हैं, और ब्लड प्लेलेट्स मैक्सिमम हो जाते हैं तो इसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहा जाता है, और इनकी जो मृत्यु है वो ब्लड में ही हो जाती है। तो ये तो बात रही हमारे ब्लड प्लेलेट्स की। तो बच्चों अब अपना आरबीसी का पॉइंट था, डब्ल्यूबीसी का पॉइंट था, एंड ब्लड प्लेलेट्स का जो पॉइंट था वो यहाँ पूरा होता है। एंड इसका नेक्स्ट जो पार्ट ब्लड का रहेगा वो हम थर्ड पार्ट्स में लेकर के आएंगे। और जिन बच्चों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है वो अधिक से अधिक शेयर करें जिससे अन्य बच्चों को इसका लाभ हो सके, और थर्ड वीडियो जल्दी ही अपलोड होगा। बच्चों नमस्कार, थैंक्स।